सबसे पहले हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जिसने हमें ये मौका दिया कि आज हमारी बहन रितु अपने पति के साथ इस देश में कनाडा में वैंकूवर में हमारे शहर सरी में आ चुकी हैं। और ये परमेश्वर की एक प्लान है जिसके लिए ये दोनों हमारे संग हैं। और आप सब जानते हैं कि हमारी आने वाली कॉन्फ्रेंस जो इस वीकेंड से शुरू होगी, कल से फ्राइडे सैटरडे संडे, आप सबके लिए बहुत बाबरकत होगी। आप सब आइए, फ्राइडे को शाम 7 बजे शुरू हो जाएगी, खाना भी मिलेगा और स्पिरिचुअल खाना भी मिलेगा। और बीमारों के लिए दुआ होगी, कमज़ोरों के लिए भी दुआ होगी, जो जकड़े हुए हैं उनके लिए दुआ होगी, जो कि ड्रग में एडिक्टेड हैं उनके लिए भी प्रार्थना होगी। तो ज़रूर आइए। तो मैं बहन को कहूँगा कि वो हमारे देखने वाले बहन भाइयों को बताएं कि वो क्या एक्सपेक्ट करेंगे और क्या प्रभु आपके ज़रिया से उन तक पहुँचाएगा। सबको जय मसीह की। और मैं विश्वास करती हूँ आप प्रभु में मजबूत होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। और मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे कहना चाहती हूँ, आज सुबह जब हम इस जगह में मिले, प्रार्थना कर रहे थे और मुझे स्पिरिट में लगा प्रभु एक सामर्थी काम करने जा रहे हैं इन दिनों में, और प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हो सकता है आपको लगता हो कई हालात, कई बातें जो ज़िंदगी में है वो असंभव है, लेकिन परमेश्वर जब हमारे साथ हैं, जब प्रभु आपके साथ हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं इनकरेज करूँगी जितने लोग आज इस वीडियो को देख रहे हैं, आप भी आएँ और दूसरों को भी इनकरेज करें ताकि वो आकर परमेश्वर की हुजूरी में समय बिता सके, प्रभु के वचन को सुन सके और प्रभु के पाक कलाम को अपने जीवन में ले सके, ताकि इस जगह में, इस देश में एक ऐसी पीढ़ी खड़ी हो सके जो सच में परमेश्वर के हृदय को जानती है, प्रभु की आवाज़ को सुनती है, प्रभु के लिए एक्स्ट्रा माइल्स जाने के लिए तैयार है, उनके लिए कोई भी कीमत अदा करने के लिए तैयार है। और एक ऐसी पीढ़ी जो अपना कंफर्ट नहीं देखती है, लेकिन जब प्रभु कुछ कहते हैं तो वो हाँ और आमीन के साथ आगे बढ़ती है। और सच में मैं विश्वास करती हूँ इन दिनों में परमेश्वर अपने लिए फौज तैयार कर रहे हैं और हम सब उस फौज का हिस्सा है। और साथ ही प्रभु ऐसे आराधकों को तैयार कर रहे हैं जो उनकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं, क्योंकि